केमिकली कंट्रोल्ड सिस्टम। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकली कंट्रोल्ड सिस्टम्स के बारे में। जो केमिकली कंट्रोल्ड सिस्टम होते हैं, ये हमारे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के ही एक अप्रोच है, ठीक है, कि किस तरीके से ड्रग हमारी बॉडी में डिलीवर की जाती है। तो देखो, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर द डिलीवरी सिस्टम दैट चेंज देयर केमिकल स्ट्रक्चर व्हेन एक्सपोज टू बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। ठीक है, ये वो केमिकल सिस्टम है या वो डिलीवरी सिस्टम है जिनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं स्ट्रक्चर में जब वो बायोलॉजिकल फ्लूइड से एक्सपोज होते हैं। देखो, होता क्या है कि हम इनके अंदर करते क्या है कि ये हमारी ड्रग मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास मेरा ड्रग मॉलिक्यूल है, ड्रग मॉलिक्यूल के ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं पॉलीमर की। कोटिंग कर दी किसकी? पॉलीमर की। ड्रग मॉलिक्यूल के ऊपर कोटिंग कर दी हमने पॉलीमर की, और इसको हम एडमिनिस्टर कराते हैं इस तरीके से कि जो पॉलीमर है, पॉलीमर के अंदर चेंजेस आएंगे। कब आएंगे? जब ये पॉलीमर कॉन्टैक्ट में आएगा बॉडी फ्लूइड्स के, मतलब कि जब आप इस ड्रग को लोगे, लेने के बाद आपकी बॉडी के अंदर भाई बॉडी फ्लूइड्स हैं। बॉडी फ्लूइड्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि भाई स्टमक के अंदर हमारा एसिड रहा या माउथ के अंदर सलाइवा रहा, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स हैं। जब इनके कॉन्टैक्ट में ये पॉलीमर आएगा तो इसके अंदर चेंजेस आएंगे, इसके केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। तो केमिकली कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है? ये डिलीवरी सिस्टम है जिसके अंदर चेंजेस आते हैं केमिकल स्ट्रक्चर में व्हेन एक्सपोज।